वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो शुरू होने वाला है। और आज यहां पर वेल फ्रागो अरीना में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW फॉरबिडन डोर का हैवी बिल्डअप देने वाले गए, जहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी हमें यहां पर TNT चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच के अंदर डस्टिन रूट्स को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मून का TBS टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर वो उनका टाइटल CML सुपरस्टार एक्सिन के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और इसके साथ साथ डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर MJF के फ्यूचर चैलेंजर रूस यहां पर सुपर एक्शन होने वाले गए। तो वहीं डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे AEW के डायनामाइट शो के ऊपर उनका पहला टाइटल डिफेंस करेंगे, जहां पर विल ऑस्प्रे के चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि AEW के फॉर्मर इंटरनेशनल चैंपियन रे फिनिक्स होने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज डायनामाइट पर इन सभी बड़े मैचेस के अलावा शो के ऊपर पॉसिबल रिटर्न या डेब्यू होता है या नहीं। और ब्रिट बेकर की इंजरी के हील होने के बाद ब्रिट बेकर AEW के डायनामाइट शो पर रिटर्न करती हैं या नहीं, या बेकी लिंच के फ्री एजेंट बनने के बाद टोनी खान बेकी लिंच को AEW पर लाते हैं या नहीं। वल आपको क्या लगता है, आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर किसी फ्री एजेंट का डेब्यू या किसी सुपरस्टार का रिटर्न होगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, आप यहां पर AEW के डायनामाइट शो को आज यहां पर बिल्कुल भी मिस मत करना।